हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया मस्त चल रही बेटा? तो बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अपने अगले वीडियो के साथ में। पिछले 5-6 दिन से बेटा मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। वजह ये थी कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, थोड़ा मुझे फीवर आ रहा था। तो आज ऊपर वाले की दुआ से मैं ठीक हूँ और अब मैं फिर से नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी का अगला वीडियो बेटा पढ़ेंगे और इस वीडियो में बेटा हम लोग क्वेश्चन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी के बेटा सारे के सारे वीडियो ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में हैं। वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मेरी चल रही हैं, उनको देख लीजिएगा पहले, है ना। रिंग है, वेक्टर स्पेस है, लीनियर एलजेब्रा है, टॉपोलॉजी है, टेंसर है, बहुत सारी प्लेलिस्ट बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना, अलग अलग। उनको जाकर बेटा अच्छे से आप पढ़िए। और बेटा थोड़ा सा मैं आपसे एक बात और इम्पोर्टेंट आज करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, मेरे सारे के सारे वीडियो जो हैं यूट्यूब पे वो फ्री हैं, है ना, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल देखते हैं अब। लेकिन बच्चों क्या हो रहा है, मैं पिछले करीब 1 साल से कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, केवल वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी मुझे आपसे हेल्प चाहिए। मैं किसी और से हेल्प मांगूँ, मैंने सोचा मैं अपने पढ़ने वाले बच्चों से ही हेल्प मांग लेता हूँ। आप एज ए डोनेशन अगर कुछ पैसा मेरे अकाउंट में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दूंगा बेटा, तो उसमें अगर आप जो भी पैसा डालना चाहें, 100 रुपये, 200 रुपये, आपकी इतनी भी हेल्प बेटा मेरे लिए बहुत होगी, है ना। अगर कुछ बच्चे भी 100, 200 रुपये डाल देंगे, है ना, और अगर आप हर महीने डाल दें तो खैर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सोचिए, 100 रुपये में आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी हेल्प सब जगह से मिल करके आएगी तो मेरे लिए थोड़ी ठीक ठाक वो हेल्प हो जाएगी। ये एज ए डोनेशन है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये पैसा उसमें मेरे अकाउंट में डालें या ना डालें। ठीक है, ये सिर्फ डोनेशन के लिए, ये आपकी मर्जी है। तो मुझे उम्मीद है, है ना। और प्लीज़ मैं आपसे एक बात और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप जो भी पैसा डालते हैं उसका बेटा मैसेज मुझे मत भेजिएगा कोई भी। ये नहीं कि आप कमेंट में कह दें कि सर मैंने इतने पैसे उसमें डाल दिए हैं, तो ये मेरी बेटा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैसेज में आप बिल्कुल ही मत करिएगा, है ना। मैं अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपकी जो मर्जी हो। क्योंकि 100 रुपये की हेल्प अगर आप हर महीने भी मेरी कर देंगे, सोचिए 100 रुपये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और बहुत से लोग मैंने कितना कितना पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं, मैंने आपसे कभी एक पैसा मांगा तो नहीं, ये भी सिर्फ डोनेशन के लिए है बेटा। ठीक है, तो इसलिए जिससे थोड़ी मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बेटा थोड़ा खर्चा तो आता ही है। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन ग्रुप बेटा आज शुरू कर रहे हैं। देखो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन ग्रुप की। देखो बच्चों, QUOTIENT, है ना, क्वेश्चन ग्रुप, QUO, कई दिनों के बाद पढ़ा रहे हैं, थोड़े से हाथ अच्छे से चल नहीं रहे हैं। क्वेश्चन ग्रुप, है ना, कई दिनों के बाद लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा लिखने में फ्लो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ग्रुप, TIENT, क्वेश्चन ग्रुप, या इसी को बेटा हम लोग फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं, FACTOR, फैक्टर ग्रुप। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है क्वेश्चन ग्रुप और फैक्टर ग्रुप, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास G, O कोई भी एक ग्रुप है, है ना, मान लो मेरे पास ये कोई भी एक ग्रुप है G, O, ठीक है, और मैंने मान लिया कि जो H, O है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, है ना, इट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो बेटा, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो बेटा आपको पुराने मिल जाएंगे, वहां पर जाके बेटा आप सारे वीडियो चेक कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है पहले से मालूम है आपको, फिर भी देखो बता देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल सब ग्रुप में बच्चों क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप में बच्चों क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर G, O मैंने कोई ग्रुप ले लिया, ठीक है, G, O मैंने कोई ग्रुप ले लिया और H, O इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है। H, O जो है ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखो नॉर्मल सब ग्रुप की बेटा कंडीशन क्या होती है, ये मैंने देखो पहले भी आपको समझाई थी। नॉर्मल सब ग्रुप देखो इसमें क्या होता है बेटा, कंडीशन ये होती है कि हम एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लें जी में से, मतलब जी का हम कोई भी एलिमेंट एक्स ले लें, और अगर हम x के साथ में ये ऑपरेशन लगाएं XH, X inverse, तो वो हमेशा H में आता है। H क्या है, H जो है ये कैपिटल H का कोई भी एक एलिमेंट है, इस बात को जरा आप समझिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है
कि हम जी का कोई भी एलिमेंट ले लें और हर एक एलिमेंट के लिए एक्स एच एक्स इनवर्स हमेशा एच में आएगा, और एच क्या है, कैपिटल एच का एलिमेंट है। तो ऐसे केस में हम एच कॉमा ओ को नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं, है ना। देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एच बराबर, है ना, इसी में देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एच इक्वल टू एच एक्स, है ना। ये मैंने आपको समझाया था इसकी दो कंडीशन होती हैं, तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम होती है। इसको मैंने प्रूव भी किया था नॉर्मल सब ग्रुप के वीडियो में। अब देखो जैसे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है लेफ्ट कोसेट और ये क्या बता रहा है राइट कोसेट, तो मतलब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये भी आपको मालूम है लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट क्या होता है, सब मैंने बताया था। जैसे कि मान लीजिए एक्स एच है, तो एक्स एच का मतलब क्या हुआ कि एक्स ओ एच वन कॉमा एक्स ओ एच टू एंड सो ऑन, ये एच वन एच टू एच थ्री ये सब कहां से आ रहे हैं, ये सब एच से आ रहे हैं। और इसी प्रकार जो एच एक्स है ना, एच एक्स ये फिर वही हो गया क्या, एच वन ओ एक्स कॉमा एच टू ओ एक्स एंड सो ऑन, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। तो हम कैसा कहते हैं कि ये एच जो है ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप की बेटा कंडीशन होती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब जी कोई ग्रुप है और एच कॉमा ओ उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन ये होती है, आप ये कंडीशन कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। देखो अब देखो हम लोग क्वेश्चन ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझे। तो ये तो मतलब इनिशियल कंडीशन है कि भाई एच कॉमा ओ जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा आपस में बराबर होते हैं, है ना। हमेशा जितने आप लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट लेंगे वो सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये बात बराबर से मतलब जरूरी नहीं कि पहला पहले के बराबर हो, पहला दूसरे के बराबर हो सकता है, दूसरा चौथे के, कोई भी किसी के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान दो, कई दिनों के बाद पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बीमारी से बेटा उठे हैं तो वो फ्लो थोड़ा सा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, वीकनेस थोड़ी सी है, कोई बात नहीं बेटा, लाइफ है चलता रहता है, तो कभी बीमारी ये सब सब चलती रहती हैं चीज़ें, और पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, अच्छा थोड़ी खांसी देखो बेटा अभी आ रही है मुझे, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत खांसी वांसी तो आती रहती है, लाइफ है बेटा ये। अच्छा अब देखो बच्चों होता क्या है, इसमें एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं जी बाई एच। अब देखो जी बाई एच का मतलब क्या होता है, इसमें हम इस प्रकार के सारे एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने एच ए का, अब ध्यान रखना मैंने बताया था कि एच ए का मतलब हो गया एच ऑपरेशन ए, ये मल्टीप्लाई नहीं है। जैसे यहां पर मैं एच एक्स लिख रहा हूं तो इसका मतलब इसके बीच में ऑपरेशन है, ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर मैं सारे के सारे राइट कोसेट्स का एक सेट ले लेता हूं, और ए क्या है, ए आएगा जी में से, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सारे राइट कोसेट्स का सेट, है ना। एच कॉमा ए क्या है, राइट कोसेट। तो जी वाई एच क्या है, जी वाई एच है सारे राइट कोसेट का सेट। अच्छा इसी को मैं ए एच भी लिख सकता हूं, क्योंकि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट यहां बराबर होंगे, क्योंकि एच क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आप एच ए लिखो या ए एच लिखो, बात बराबर है, क्योंकि यहां पर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जी वाई एच एक टर्म डिफाइन कर दिया गया कि सारे के सारे राइट कोसेट का आप सेट ले लेंगे, है ना। जी वाई एच एक टर्म डिफाइन कर दिया गया कि सारे के सारे राइट कोसेट का आप सेट ले लेंगे, या ऐसा कह दीजिए कि सारे के सारे आप लेफ्ट कोसेट का सेट ले लेंगे। एक टर्म देखो यहां पर बेटा ये डिफाइन कर दिया गया, तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, दोनों के दोनों यहां पर सेम बातें हैं, ठीक है। तो इसी को मतलब हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, है ना। सारे के सारे कलेक्शन जो कोसेट्स हैं उनका कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो ये जो बेटा जी वाई एच हम लेते हैं, और आगे चल के अभी हम देखेंगे कि ये खुद में भी एक ग्रुप बन जाता है, है ना। जो हमने जी वाई एच लिया, मतलब इस टाइप के सारे जैसे कि मान लो हमने क्या किया, आप समझिए यहां पर एच ए का मतलब, जैसे कि मान लो
एक जैसे कि फॉर एग्जांपल जी मैंने ये ले लिया, मान लो जी में मैंने तीन एलिमेंट ले लिए ए वन ए टू ए थ्री, मान लो फॉर एग्जांपल। तो जैसे मैं पहले एच ए वन निकालूंगा, एच ए वन का मतलब एच के एलिमेंट को ए वन से मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत सारे मिलेंगे उसमें भी। फिर मैं एच ए टू निकालूंगा, फिर मैं एच ए थ्री निकालूंगा, इस प्रकार के जितने भी, जैसे एच ए वन में भी कई सारे पॉसिबल होंगे। अब एच क्या है, जी का सब ग्रुप ही है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि एच में दो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए वन और ए टू, क्योंकि एच क्या है, ये भी जी का सब ग्रुप है। तो जैसे अगर मैं एच ए वन निकालूंगा तो एच का पहला एलिमेंट ए वन लिया तो ए वन ओ ए वन होगा, फिर क्या होगा दूसरा एलिमेंट लिया तो ए टू ओ ए वन होगा, ऐसे करके होगा। एच ए टू निकालूंगा तो फिर वही देखो, एच का पहला एलिमेंट लिया ए वन ओ ए टू, फिर एच का दूसरा एलिमेंट लिया देखो ए टू ओ ए टू, ऐसे करके। तो इस प्रकार के जितने भी मुझे सेट मिलेंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे, है ना, इस सेट के अंदर। तो इसी को हम आगे चल के देखेंगे कि ये भी एक ग्रुप बन जाता है। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, ग्रुप बनाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन भी तो हमें चाहिए, है ना, है ना, कि भाई ग्रुप बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई ऑपरेशन भी तो चाहिए, क्योंकि सेट के साथ में कोई ना कोई ऑपरेशन भी होना चाहिए, तभी तो ग्रुप बनता है ना, जब सेट के साथ में कोई ना कोई ऑपरेशन भी बच्चों होता है भाई, तभी तो हम ग्रुप बना पाएंगे, नहीं तो ग्रुप कैसे बनेगा, समझिए। कोई ना कोई ऑपरेशन चाहिए हमको सेट के साथ में, ठीक है ना। बोलो बच्चों, देखो अब ऑपरेशन देखो यहां पर क्या लिया जाता है, जरा समझो। तो हमने क्या किया कि G बाई H जो है वो इस टाइप से ले लिया, H कॉमा एच ओ ए या एच ए कह दो खाली, A बिलोंग्स टू G है। एच ए का मतलब मैंने बताया, ध्यान रखना हमेशा, इसका मतलब हो जाएगा एच ओ ए, एक ही बात है, ठीक है ना। ए मैंने ऐसे बनाया, देखो अब देखो मुझे एक ऑपरेशन चाहिए। तो ऑपरेशन देखो हम लोग कहां से लाते हैं, देखो जैसे कि मान लो मैंने कहा कि एच ए एंड एच डी आर टू एलिमेंट्स ऑफ जी बाई एच। मान लीजिए ये मेरे G बाई एच के दो एलिमेंट्स हैं, एच ए और एच बी, मतलब इसी में से एक एलिमेंट मैंने एच ए ले लिया और इसी में से दूसरा एलिमेंट मैंने एच बी ले लिया। तो देखो क्या होता है, एक ऑपरेशन यहां पर डिफाइन किया जाता है। देखो वो ऑपरेशन ये होता है कि एच ए और ऑपरेशन एच बी। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि एच ऑफ, है ना, देखो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एच ऑफ ए ऑफ एच ऑफ बी, ऐसे करके, है ना भाई, इसको इसको साथ ले आए, एसोसिएटिव लॉ है यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ हम लोग लगा सकते हैं हमेशा। अब ऑपरेशन मत लगाओ, कई लोग ऑपरेशन को नहीं लगाते हैं, वो खाली ऐसे बिना ऑपरेशन के लिख देते हैं, इसका मतलब वही कि यहाँ पर ऑपरेशन कोई ना कोई है, और यहाँ भी ऑपरेशन नहीं लगाते, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होता है, एच ए ए एच को हम एच ए लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए एच और एच ए आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसीलिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहां पर फिर अब देखो एक काम किया जाए, एच एच को एक साथ ले लिया जाए और ए बी। अब देखो एच एच को हम वापस एच लिख सकते हैं ए बी, है ना, एच एच को वापस हम लोग यहां पर हमेशा एच लिख सकते हैं। ये भी मैंने पहले आपको समझाया था बेटा कि एच एच जो है इसको हमेशा हम एच लिख सकते। दो कैसे, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, ये मैंने बेटा बताया था आपको कि जैसे कि मान लो अगर हम एच एच निकालते हैं तो एच एच का मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि एच और के ऑपरेशन से बने हैं, है ना, और एच भी किससे आएगा, एच से, और के भी किससे आएगा, के से, है ना, बोलो के भी किससे आएगा, एच से, क्योंकि मैंने बताया था इसको हम दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सारे एलिमेंट मुझे लेने हैं जो कि इनके आपस के ऑपरेशन से बने हैं। अब आप समझिए, जैसे ये भी एच में है और ये भी एच में है, दोनों एच में है, तो जब दोनों एलिमेंट एच में है उनका ऑपरेशन लोगे तो वो रिजल्ट भी हमेशा एच में आएगा, क्योंकि एच एक ग्रुप है। तो इसका मतलब ये वापस फिर से जो सारे एलिमेंट आएंगे वो एच के ही तो एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि एक्स जितने भी आएंगे वो सब एच और के ऑपरेशन से आएंगे। एच बी एच का एलिमेंट है, के बी एच का एलिमेंट है,
लेकिन वो जो जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे वो सभी एच और के ऑपरेशन से मिलेंगे, क्योंकि तो ये भी पहला एलिमेंट भी एच का है, दूसरा भी एलिमेंट एच का है, तो उनका जब हम ऑपरेशन आपस में लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा एच में ही तो जाएगा, इसलिए जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब एच में ही जाएंगे। ये बात पहले भी मैं समझा चुका था आपको, तो इसलिए एच एच को हम लोग एच ए भी लिख सकते हैं। तो देखो ये जो है वो अपना एक ऑपरेशन बनाया मैंने, तो इसी ऑपरेशन को लेकर के मतलब जी वाई एच और ऑपरेशन ये ले लिया। क्या ऑपरेशन है देखो कि एच ए और ओ एच बी बराबर एच ए बी, ये मैंने ऑपरेशन ले लिया, तो ये सेट ले लिया और ये उसका ऑपरेशन ले लिया, तो ये सेट और ये ऑपरेशन के साथ में ये ग्रुप बन जाता है, और इसी ग्रुप को कहा जाता है बच्चों कोशेंट ग्रुप, है ना, ये बात यहां पर समझिए। इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं कोशेंट ग्रुप, मतलब जो जी वाई एच है, जो जी वाई एच है वो सेट ले लिया और ऑपरेशन ये ले लिया एच ए ओ एच बी का, तो ये सेट इस ऑपरेशन के साथ में, मतलब दो एलिमेंट को ऐसे हम यहां पर ऑपरेट करते हैं, ध्यान रखो, तो ये भी अपने आप में ग्रुप बन जाता है और इसी ग्रुप को हम कहते हैं कोशेंट ग्रुप। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये ग्रुप कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है, तो ये भी हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन बेटा अगले वीडियो में, क्योंकि अभी बेटा बहुत लंबा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी थकावट मुझे है, थोड़ी वो एनर्जी लेवल नहीं रह गया है बेटा, बीमारियों का दौर आजकल चल रहा है आप देख ही रहे हो, ठीक है ना, ऊपर वाला ना करे किसी को कोई भी दिक्कत आए, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बेटा अभी इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में बाकी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप देखते रहिए वीडियो बेटा, आप रेगुलर बनेंगे ऊपर वाला चाहेगा तो। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों, थोड़ा अभी बेटा वीकनेस है तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे अगले वाले केस में कि ये ग्रुप कैसे है, ठीक है बच्चों। तो आप इंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, वही प्यार आपका मुझे मिलता रहेगा हमेशा, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा मिलते हैं अगले ब्रेक में, तब तक के लिए बाय बाय।